दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि OnePlus 1 अप्रैल को इंडियन मार्केट में अपने OnePlus Nord CE 4 को लॉन्च करने वाला है, बट दोस्तों लॉन्च से पहले ही इसकी प्राइसिंग जो है बाहर निकल कर आ चुकी है और प्राइसिंग जो यहां पे एग्रेसिव होने वाली है, जो कि आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं और साथ में इसके कंप्लीट कन्फर्म क्या कुछ स्पेसिफिकेशन होने वाले हैं वो भी बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि आपको इस स्मार्टफोन के लिए वेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सारी जानकारी के लिए बस आप इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। सो हाय गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपसे OnePlus Nord CE 4 के जो है एक बार स्पेसिफिकेशन के बारे में सबसे पहले बातें कर लेता हूं। तो दोस्तों यहां पे जो है आपको 6.7 इंच का एक फुल HD प्लस वाला फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जहां पे आपको 120 हर्ट्ज का हाईर रिफ्रेश रेट लाकर दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, यहां पे आपको फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलेगा, कोई भी कर्व डिस्प्ले वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, तो इसके लिए कंफर्म रहिएगा। सामने की तरफ जो है पंचोल स्टेयरिंग वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जहां पे आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लाकर दिया जाएगा। तो हम यहां पे डिस्प्ले में सामने की तरफ तो कुछ शिकायत नहीं ही कर सकते हैं, कैमरा वगैरह भी सेल्फी अच्छा यहां पे यूज करा जाएगा। बैक की तरफ बात करें तो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होने वाला है, जहां पे आपको OIS देखने को मिल जाएगा। जी हां दोस्तों, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाएगा। एंड सेकेंडरी कैमरा जो है आपको देखने को मिल जाएगा 8 मेगापिक्सल का, जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ में आएगा। तो बैक की तरफ भी कैमरा सेटअप से हम शिकायत नहीं कर सकते हैं, जिस प्राइस पर उस पर मैं कह सकता हूं कि प्राइमरी कैमरा अच्छा यूज करा जाएगा। एंड यहां पे सेकेंडरी कैमरा ठीक ठाक है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दे दिया गया है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो वाला मार्केटिंग गिमिक नहीं करा जाएगा यहां पे। बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो भैया इसमें काफी अच्छा काम करा गया है, बताया जा रहा है 5500 mAh की बैटरी होने वाली है। जी हां दोस्तों, 5500 mAh की बैटरी होगी, जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ में आएगा। एंड गेस व्हाट गाइस, यहां पे इसके साथ साथ आपको 100 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलने वाला है, जो कि लिटरली बहुत ज्यादा तगड़ी बात है। तो बैटरी डिपार्टमेंट में यहां पे सबसे अच्छा काम कराया गया, क्योंकि बड़ी बैटरी के साथ साथ यहां पे फास्ट चार्जिंग भी हमें देखने को मिल जाएगा। एंड प्रोसेसर की बात करते हैं, यहां पर क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 चिपसेट देखने को मिल जाएगा, जो कि 5G मॉडेम को सपोर्ट करता है, इसी कारण स्मार्टफोन 5G बन जाएगा। तो यहां पे ये भी अच्छा चिपसेट यूज कराया गया, जिस प्राइस पे आने वाला उस प्राइस में कह सकता हूं कि काफी अच्छा चिपसेट यहां पे यूज करा जा रहा है OnePlus द्वारा। एंड हां दोस्तों, एमोलेड डिस्प्ले यहां पे यूज करा गया, तो उसका भरपूर फायदा उठाया जाएगा। एंड यहां पे हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा, 3.5 mm जैक मिसिंग होने वाला है, डुअल सिम का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों यहां पे आपको डुअल स्पीकर भी देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों यहां पे आपको आईआर ब्लास्टर वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। एंड हां, ये स्मार्टफोन जो आपको एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा। तो ये रही स्पेक्स की कहानी यहां पे OnePlus Nord CE 4 की, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये स्मार्टफोन आपको 1 अप्रैल को इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों अगर मैं आपसे इसके प्राइसिंग के बारे में बात करूं, तो इसका जो बेस वेरिएंट है वो आपको देखने को मिलेगा 8GB रैम प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज, जो कि बेस वेरिएंट होने वाला है, जो कि बताया जा रहा है कि इसकी एक्चुअल प्राइसिंग जो है होने वाली है 26,999 रुपए। जी हां दोस्तों, 27,000 रुपए, जो कि यहां पे आपको बैंक ऑफर्स देखने को मिलेगा, 2,000 का डिस्काउंट देखने को मिलेगा, जिसके बाद उसकी इफेक्टिव प्राइस वो बन जाएगी 24,999, मतलब 25,000 रुपए। मतलब इसकी एक्चुअल प्राइसिंग जो है 27,000 होने वाली है, बट बैंक ऑफर्स के बाद ये स्मार्टफोन की प्राइसिंग जो है 25,000 रुपए बन जाएगी। तो दोस्तों ये रही कुछ यहाँ पे स्पेसिफिकेशन की कहानी एंड प्राइसिंग की कहानी OnePlus Nord CE 4 की। अब आप भी पूछ रहे हो कि हमें स्मार्टफोन के लिए वेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो देखिए, एक ऐसा आप OnePlus का स्मार्टफोन ढूंढ रहे थे, एक अच्छा ब्रांड वैल्यू वाला स्मार्टफोन ढूंढ रहे थे कि हाँ भैया 25,000 की बजट है और मैं सैमसंग का स्मार्टफोन ले जाता हूँ, 25,000 के बजट में सैमसंग कोई अच्छा स्मार्टफोन मिलता भी नहीं है, तो मुझे एक अच्छा खासा ब्रांडिंग के साथ में अच्छा खासा स्मार्टफोन चाहिए। तो हाँ, ये काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन हमें OnePlus की तरफ से देखने को मिलने वाला है, जो कि हाँ मैं कह सकता हूँ कि लिटरली OnePlus द्वारा इस बार अच्छा काम करा जाएगा। और 25,000 रुपये इसकी प्राइसिंग ऑफर के बाद भी आ जाती है तो काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 5500 mAh की बैटरी और 100 वाट का फास्ट चार्जिंग, स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 चिपसेट वगैरह है, तो काफ़ी यहाँ पे तगड़ी बात निकल कराते हैं। तो हाँ, मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि आप स्मार्टफोन के लिए वेट कर सकते हैं, और काफ़ी तगड़ा स्मार्टफोन होने वाला है। तो खैर, ये स्मार्टफोन जब 1 अप्रैल को ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा, देन यहाँ से आपको फ्रैंक ओपिनियन देखने को मिल जाएगा कि आपको ये स्मार्टफोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। बट हाँ, एज ऑफ नाउ यही सब इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको देना चाहता था OnePlus Nord CE 4 से रिगार्डिंग। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे किसी ऐसे ही एक और नए वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।